हेलो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कबूतर बाहर निकलने के लिए कैसे फड़फड़ा रहे हैं। और सुबह के 8 बजे हैं और मैं पहले इनको खोल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कबूतरों को अपन ने खोल दिया है, जो बंद है अंदर उनको भी बाहर निकाल देते हैं। अंडे देने की शुरुआत हो चुकी है, सारे कबूतर उनको अपन अभी। मैं ये कबूतरों को अपने हाथ में डब्बे में दाना दिखाऊंगा और देखिए कैसे टूटते हैं। चलो आओ, ये देखिए भाई, ये डब्बे में दाना खाने के लिए कैसे टूट पड़े। ये कबूतरों को आदत होती है ना हाथ पे दाना खाने की, सारे के सारे फिर आते हैं। तो अपन नीचे डाल देते हैं दाना। चलो हटो हटो हटो, अरे हटो रे। फिर पहले इनको खा लेने देते हैं दाना, जो कि अपन ने नीचे डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं दाना, और अपने कबूतर सारे के सारे अब अंडे बच्चे के लिए फिर से तैयार हो गए। इनके बच्चे हो गए 1 महीने के समथिंग। बाकी इस बार एक बच्चा अपना, वो आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, वो हल्का कमज़ोर रह गया। अब उसका क्या कारण है पता नहीं, तो वो खुद ही दाना उठाना सीख गया। उसके साथ का जो बच्चा है वो बड़ा है, और उसका कारण ये है बड़ा होने का, क्योंकि वो कबूतरी जो है चोटियन कबूतरी, फैंसी कबूतरी का अंडा मैंने जेनी के पास रखा था एक अंडा, तो वो फैंसी का बच्चा बड़ा है, हाइट में अच्छा खासा बड़ा है। और ये इसका ही है जेंगो जेनी का बच्चा, तो ये छोटा है, तो वो बड़ा बच्चा ज़्यादा खा लेता है, इसलिए थोड़ा कमज़ोर सा रह गया है। भाई मैंने मेरे एक जोड़े पे ज़्यादा गौर किया है, उसके जितने भी बच्चे निकलते हैं सारे के सारे कबूतर होते हैं, नर होते हैं। जितने भी बच्चे निकलेंगे उसके सारे के सारे नर होते हैं। ये आप देख से ये देख सकते हैं, ये वाला ये भी नर है। उसके साथ का एक ललसरा, ये जो बीच में झुंड में दाना चुग रहा है, ये भी नर है। पहले भी 2 बच्चे उसके थे वो भी नर थे, 2 उड़ गए वो भी नर थे, और मैंने 4 बच्चे बेच दिए भाई वो भी नर थे। मतलब उस जोड़े में जो नर डला हुआ है पता नहीं उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है। 2 से 2.5 साल हो गए हैं उसके बच्चे लेते लेते, बाकी नर ही नर देता है। अभी तक मादिन उसके अंडों में से निकली नहीं है, बाकी दूसरे कबूतरों में ऐसा मैंने देखा नहीं है अपने पास। और उसके ज़्यादा उड़ते नहीं हैं कबूतर, मीडियम साइज के कबूतर होते हैं और कम ही उड़ते हैं, बाकी सारे के सारे नर बच्चे निकलते हैं। और अपने कबूतरों में ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जो हमेशा हर हमेशा दोनों बच्चों को नर ही निकाले। अब इनके अंदर क्या क्वालिटी है, वो जोड़ा ये है भाई, ये अभी मादिन को अंडों के लिए दौड़ा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी अंडों के लिए दौड़ा रहा है। हो सकता है आजकल में अंडा दे दे, ये देखिए ये मार रहा है। तो इस नर की क्वालिटी में पता नहीं ऐसा क्या खास है जो कि ये हमेशा बच्चों के अंदर 2 ही बच्चे निकलेंगे तो कबूतर ही निकलेंगे, नर कबूतर, और बाकी कोई दूसरे बच्चों में ऐसा है नहीं। आपके पास भी अगर ऐसा कोई जोड़ा हो जिसमें ऐसी कोई क्वालिटी हो तो मुझे बताइएगा। ये नर उड़ने में बहुत तेज़ है, अच्छा उड़ता है, बाकी ये फैंसी के साथ में डल गया तो इसकी उड़ान भाई ख़त्म हो गई है। अब इसके बच्चे तो उड़ते नहीं है, ये ललसरा भी इसी का है, उड़ा के देखा नहीं है ज़्यादा, वो ललसरा भी इसी का है, एक ललसरा और है। तो भाई इन कबूतरों को उड़ाने का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, टाइम होगा जब मैं आपको उड़ा के भी दिखाऊंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।